नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। बीजेपी के द्वारा लगातार जदयू को झटका पे झटका दिया जा रहा है, यानी ये कहें कि जिस तरह से गिफ्ट पे गिफ्ट दिया जा रहा है, देते जा रहे हैं, इससे यही प्रतीत हो रहा है कि जदयू को नए साल में भी कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 25 दिसंबर को जो है अरुणाचल प्रदेश का जो मामला आया था, इनको लेकर के जो एक गिफ्ट दिया गया, 6 विधायकों को तोड़ लिया गया जदयू को। इसी तरह से जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और MLC हैं प्रेमचंद्र मिश्रा जी हैं, उनसे हम जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने दलों की बैठक करती है, समीक्षा करती है। इसमें किसी अन्य दल को बोलने का कोई मतलब बनता नहीं, ये उनका शुद्ध रूप से इंटरनल मैटर है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अरुणाचल में जदयू के 6 विधायकों को तोड़ के आपस में शामिल कर लिया, यह एक बड़ा इंडिकेटर है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों को तोड़ते तोड़ते उसको इसका चस्का लग गया। जैसे जंगल में जानवरों को नहीं देखते हैं, एक दूसरे को खा जाता है, मार देता है, तो खून का चस्का लग जाता है। वही हालत भारतीय जनता पार्टी की है। तो बीजेपी उस आदत से अब इतना मदमस्त हो गई है कि उसे अब ये भी लाज शर्म नहीं रहा कि अपने सहयोगियों को भी तोड़ने में लग गई। तो कहीं ना कहीं यह जो अरुणाचल में हुआ है, वो आने वाले समय में आप देखेंगे बिहार में भी उसकी पुनरावृत्ति होगी। तो यह ऐसी परिस्थिति है जो यह बताने को पर्याप्त है कि बिहार में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, चाहे भाजपा वाले हों या जदयू वाले हों, उनमें कुछ भी ठीक ठाक काम नहीं चल रहा है। कई मुद्दों पर अंतर विरोध है और यह उसकी एक तरह से आरंभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। आप जिसे क्रिसमस गिफ्ट बोल रहे हैं, हो सकता है नए साल का भी गिफ्ट बीजेपी जदयू को कुछ दे। तो जो संभावना बन रही है वो ये बताने को पर्याप्त है कि वर्तमान राज्य सरकार अपना कार्यकाल शायद ही पूरा कर पाए और बिहार में जो गवर्नमेंट में शामिल लोग हैं वो खुद ही एक दूसरे के कब्र खोदने में लग गए। लेकिन JDU आज के डेट में एक मजबूर पार्टी है जिसके नेता में इतनी अब हिम्मत नहीं बची है कि इन बातों का वो विरोध करें या किसी भी स्तर पर इसका प्रोटेस्ट करें। तो ये बैठक जो हो रही है एक रूटीन बैठक हमको लगता है होकर रह जाएगी। अगर जदयू नेतृत्व में थोड़ी भी आत्मसम्मान बाकी है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अलग होना चाहिए और बीजेपी के गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से प्रेमचंद्र मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से क्रिसमस गिफ्ट जदयू को दिया गया, इसी तरह से नए साल में एक नए साल के उपलक्ष में भी कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।